हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन डे लॉ रिविजन मॉड्यूल 6 इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेक ओवर कोड. लेट्स क्विकली गो थ्रू द सिनॉप्सिस फर्स्ट. इन दिस वी विल कवर इनसाइडर ट्रेडिंग एंड वेरियस डेफिनेशंस लाइक डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, हु इज़ अ इनसाइडर, हु इज़ कनेक्टेड पर्सन, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, चाइनीज वॉल, कंप्लायंस ऑफिसर, ट्रेडिंग विंडो, pre-clearance code of conduct, penalty for insider trading, position in UK and US. उसके बाद हम देखेंगे takeover code, जिसमें हम कुछ definitions देखेंगे like control, voting rights, shares, acquirer, target company, person acting in concert, deemed connected person, acquisition of shares, open offer, public announcement, offer letter, offer price, shareholding threshold, triggers under takeover code, procedure of public announcement and open offer. So let's get started. Insider trading मतलब क्या? एक ऐसा person जिसके पास non-public, मतलब जो information public को available नहीं है वो है, ऐसी कोई material information है किसी stock के बारे में और उस information के basis पे अगर वो trading कर रहा है, trading in any public company stock, तो फिर हम insider trading बोलेंगे. इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, इट कैन बी इलीगल और लीगल डिपेंडिंग ऑन व्हाट इनसाइडर मेक्स द ट्रेड. इट इज़ इलीगल जब मटेरियल इन्फॉर्मेशन नॉन पब्लिक है और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड करने से हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो फिर हम उसको इलीगल मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नोज कि कंपनी अभी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है तो शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले, तो उसने पहले ही शेयर्स परचेस करके रख लिए. सो दिस इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग. तो ये इलीगल है ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके. नाउ हु इज़ इनसाइडर? अब जिसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको इनसाइडर बोलेंगे. तो अब किसके पास नॉर्मली इन्फॉर्मेशन होती है? कंपनी के डायरेक्टर के पास, सीनियर ऑफिसर के पास, या फिर पर्सन और एंटिटी हु इज़ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ मोर देन 10% ऑफ कंपनीज वोटिंग शेयर. तो इन लोगों के पास नॉर्मली इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है. द डेफिनेशन इज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड एनीवन हु ट्रेड्स अ कंपनी शेयर बेस्ड ऑन मटेरियल नॉन पब्लिक नॉलेज. मतलब जो भी इंसान नॉन पब्लिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे या वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग करता है उसको हम इनसाइडर बोलेंगे. इनसाइडर को स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं विद रिगार्ड टू सेल और परचेज ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी. Who is connected person? Any person who is or has during the 6 months prior to the concerned act been associated with the company. ऐसा कोई person जो पिछले 6 महीने में किसी company से associate था, directly या indirectly, in capacity of officer या in any contractual or fiduciary or employment relationship, मतलब as an employee या company के साथ कोई contract था, या वो कंपनी का डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉई है, या कोई प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप है उसका कंपनी के साथ, मे बी टेम्प्ररी मे बी परमानेंट, और उस पर्सन के पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है. ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड है और प्राइस सेंसिटिव है, मतलब जिस इन्फॉर्मेशन के वजह से शेयर्स की प्राइस चेंज हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, तो ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड है, जो पब्लिक को नहीं बताई गई है, ऐसे जो इंसान है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है और वो कंपनी से कनेक्टेड है, तो उस पर्सन को हम कनेक्टेड पर्सन बोलेंगे. अगर पिछले 6 महीने के दौरान कोई भी कनेक्टेड पर्सन इन एनी रिलेशनशिप अगर उसके पास कंपनी से रिलेटेड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो वो पर्सन कनेक्टेड पर्सन है. Without prejudice to the generality of the foregoing, जो नीचे दिए हुए केसेस है 1 to 9, इस केस में जो रिलेशन है उसको हम कनेक्टेड पर्सन का रिलेशन मानेंगे unless contrary is established. तो होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी का जो रिलेशन है हम उनको कनेक्टेड पर्सन मानेंगे. इंटरमीडियरी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट और एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर. इंटरमीडियरी, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी. इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एम्प्लॉय डायरेक्टर, मतलब ये कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्टर. ऑफिशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग हाउस और कॉरपोरेशन. मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ म्यूचुअल फंड या वहाँ का एम्प्लॉय.
member of board of director or an employee of public financial institution as defined under 272 of Companies Act, officer या employee किसी self-regulatory organization का, banker of the company, concern, firm, trust, Hindu undivided family, company or association of persons जहाँ director का या उसके immediate relative का कोई relation है या उनका holding more than 10% है, मतलब वो कितना interest hold कर रहे company में, more than 10%, तो इन persons को हम company के connected persons मानेंगे. And अगर इनके पास unpublished price sensitive information है तो they are connected, और अगर उसके basis पे वो deal करते हैं तो insider trading है. And they are called as insider. So the terms are related. What is unpublished price sensitive information? अभी मैंने इसको कैसे break करके समझाया. Unpublished जो publicly published नहीं है. Price sensitive मतलब जिस information के वजह से share का price change हो सकता है. That is price sensitive. और information मतलब data. मतलब ऐसी information जो company से related है directly या indirectly company की security से related है. जो material है जिसके पता चलने से सिक्योरिटी की प्राइस चेंज हो सकती है. जैसे कि कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, मर्जर, कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है या डीमर्ज होने वाली है, कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करने वाली है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होने वाली है, कंपनी किसी उसके बिजनेस का कोई मेजर पार्ट डिस्पोज करने वाली है या कंपनी बिजनेस को एक्सपांड करने वाली है, कंपनी का कोई की मैनेजरल पर्सन कंपनी छोड़ के जाने वाला है या कोई और मटेरियल चेंजेस है इन लिस्टिंग अग्रीमेंट, तो ये सब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिससे शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ता है. तो दिस इज कॉल्ड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये अगर कोई इनसाइडर इसके बेसिस पे ट्रेडिंग करता है तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग. What are generally available information? Now this is opposite of unpublished price sensitive information. ये वो information है जो normally public को मिलती है on a non-discriminatory basis. मतलब ये normally available है. अब क्या normally available होता है? Company के financial statements company के website पे होते हैं. Audit report होती है. So this is generally available information. या company ने dividend declare कर दिया. अब सबको पता है. It is intended to define what constitutes generally available information so that it is earlier, that is easier to crystallize and appreciate what unpublished price sensitive information is. जो normally available है information जो website पर है stock exchange के या company के, that is generally available information. Chinese wall. The term Chinese wall as it is used in the business world describes a virtual barrier. Chinese wall kya hai? Ek virtual barrier hai which intends to block the exchange of information between departments if it might result in business activities that are ethically or legally questionable. Chinese wall rakhna matlab kya? Do departments ke beech mein ek virtual barrier rakhna ki wo information yahan se wahan transfer nahi ho jiske wajah se kuch galat ho sake ya ethically ya legally kuch business activity pe question aa sake. For example, a financial service firm might have corporate investment arm that it is acting on behalf of public company. Ab financial service hai, services hai, koi financial service firm hai to uske paas company ke corporate investment related data hai. तो द टॉक्स आर हाईली कॉन्फिडेंशियल कि उनको पता है कंपनी आगे जाके कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, पैसा कहाँ से लाने वाली है एंड ऑल स्टफ. Not least because of the potential for legal insider trading of the information, yet the same firm has investment advisors in another division who may be actively advising clients to buy or sell stock in the companies involved. Chinese wall is supposed to prevent any knowledge of the takeover talks from reaching the investment advisors. Role of compliance officer under SEBI, Prohibition of Insider Trading Regulations 2015. Regulations has always posed challenges for the compliance officers to implement and ensure compliance. Adherence with these regulations primarily depend on the employees of the company, connected persons and other such person who is privy to price sensitive information. तो जो compliance officer है उसका काम क्या है? Check करना कि जो regulations है. अब हम देख रहे insider trading,
तो सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिट करने के कुछ रेगुलेशंस निकाले हैं। वो कंपनी प्रॉपरली कंप्लाई कर रही है या नहीं, ये देखना काम कंप्लायंस ऑफिसर का है। तो वो एक वॉच डॉग के जैसे काम करता है, बस देखते रहना है कि कंपनी प्रॉपरली कंप्लाई कर रही है या नहीं, इंश्योर करना कि जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको कंपनी प्रॉपरली डील कर रही है क्या, प्रॉपरली हैंडल कर रही है क्या, वो इन्फॉर्मेशन बाहर लीक तो नहीं हो रही या वो इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा, एंड टाइमली डिस्क्लोजर्स किए जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को। सो टू इंश्योर ऑल दिस कंप्लायंसेस देयर इज़ अ कंप्लायंस ऑफिसर। ट्रेडिंग विंडो मीन्स the period of time beginning on the second day on which the Toronto Stock Exchange is open for trading and on which the trading in the corporation security is not halted or suspended, a trading day after the financial results for the first, second, third fiscal quarter or the fiscal year has been disclosed by way of news release and ending the last trading day immediately prior to the 2 weeks before the end of next financial quarter. ट्रेडिंग विंडो क्या है, जो पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेकेंड डे ऑन विच द स्टॉक एक्सचेंज इज ओपन, और कोई भी पीरियड जो डेजिग्नेटेड है, जो डिस्क्लोजर कमिटी ने स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया है, तो हम उसको ट्रेडिंग विंडो मानेंगे। अगर ट्रेडिंग विंडो इफ इट एंड्स ऑन अ वीकेंड और अ स्टैचुटरी हॉलीडे, इट शैल बी डीम्ड टू हैव एंडेड ऑन द लास्ट बिजनेस डे बिफोर द वीकेंड और स्टैचुटरी हॉलीडे। पेनाल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, अब हमने बोला इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिट करना है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो देयर इज अ पेनाल्टी फॉर दैट। अकॉर्डिंग टू SEC इन द US, अ कॉन्विक्शन फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग में लीड टू अ मैक्सिमम फाइन कितनी है, $5 million एंड अप टू 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। पर हमारे इंडिया की सेबी की क्या पेनाल्टी है, पेनाल्टी अप टू सी हाउ मच इट इज 25 crores और 3 times ऑफ प्रॉफिट अर्नड, विच एवर इज हायर। मतलब अगर तुमने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यूज़ करके इनसाइडर ट्रेडिंग की है, तो सेबी क्या बोलता है, पेनल्टी रहेंगी 25 crore या वो इन्फॉर्मेशन से ट्रेडिंग पे जो प्रॉफिट हुआ है उसका 3 times, विच एवर इज हायर इज द पेनल्टी। पोजिशन इन UK एंड USA, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट एक्ट 2000 FSMA एंड क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 1993 CGA प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग रिजिम। ये एक्ट में इनसाइडर ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क है, बट नाइदर ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग। US has been one of the leading enforcers of insider trading as a follow-up action of Great Depression of 1929. Security Exchange Act of 1934 was enacted. Provisions of the Exchange Act have enabled Security Exchange Commission to prevent insider trading. मतलब Exchange Act में Security Exchange Commission बनाया गया था to prevent insider trading in US, क्योंकि पहले के Act में definition ही नहीं था। Takeover Code. Now what is Takeover Code? Takeover मतलब क्या, एक कंपनी दूसरी कंपनी को acquire कर रही है, क्यों, क्योंकि एक्सपांशन के लिए। अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेक ओवर ऑफ अ कंपनी थ्रू शेयर एक्विजिशन इज डिजायरेबल इन नी कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरमेंट फॉर अचीविंग स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। देर हैज टू बी वेल डिफाइंड रेगुलेशन सो दैट इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न एंड नॉट जियोपर्डाइज्ड बाय सडन टेक ओवर थ्रेट्स। अब टेक ओवर कैसे हो सकता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय करके उस कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। अब इससे दूसरी कंपनी को खतरा हो सकता है, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि किस तरीके से एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय करके उसको टेक ओवर कर सकती है। टेक ओवर का मतलब क्या है कि दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करना, मतलब उसमें कंट्रोल एक्वायर करना जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जहाँ पे शेयर की परचेजिंग चल रही है। तो नॉर्मली टेक ओवर कैसे होता है, शेयर्स परचेस करके या कंट्रोल गेन करके। कितना शेयर परचेस करना कि तुमको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिल जाए उस कंपनी में, तो वो टेक ओवर हो गया। अब व्हेन एन एक्वायरर टेक्स ओवर द कंट्रोल ऑफ टारगेट कंपनी इट इज टर्म्ड एज टेक ओवर। ये एक्वायर कंपनी है, एक्वायरर कंपनी, ये टारगेट कंपनी, तो ये कंपनी के शेयर्स खरीदते रहना कब तक, जब तक तुमको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं मिल जाता, दैट इज़ टेक ओवर। बट उसके कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जब एक एक्वायरर सब्सटैंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट एक्वायर कर लेता है, तो हम बोलेंगे कि उसने सब्सटैंशियली उस कंपनी को ही एक्वायर कर लिया, सो दैट इज़ टेक ओवर। अब कंट्रोल का मीनिंग क्या है, हमने बोला कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वॉट इज़ कंट्रोल।
इतना तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए टारगेट कंपनी में कि तुम वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सको, या तुम वहाँ के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सको, पॉलिसी डिसीजंस ले सको। अब पॉलिसी डिसीजंस कैसे, कंट्रोल कैसे, बाय वे ऑफ शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट राइट्स, शेयर होल्डर्स और वोटिंग अरेंजमेंट्स। कंट्रोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स 30% ऑफ वोटिंग राइट्स इन टारगेट कंपनी। 30% या उसके ऊपर का वोटिंग राइट है तो यू आर कंट्रोलिंग दैट कंपनी। वोटिंग राइट्स, अब वोटिंग राइट क्या है, जब भी कोई एक शेयर होल्डर शेयर्स बाय करता है तो उसको कंपनी में वोटिंग राइट मिलता है बाय वे ऑफ शेयर्स। वोटिंग राइट इज़ द राइट ऑफ शेयर होल्डर टू वोट ऑन मैटर्स ऑफ कॉरपोरेट पॉलिसी। अब शेयर होल्डर ने शेयर्स बाय किए तो उसको वोटिंग राइट मिला, मतलब कंपनी जो भी मैटर सामने रखेगी जनरल मीटिंग में उसमें शेयर होल्डर का राइट रहेगा कि वो वोट कर सकता है। सो इट इंक्लूड्स डिसीजन रिलेटिंग टू मेकअप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इशूइंग सिक्योरिटी, इशूइंग कॉरपोरेट एक्शंस, इनिशिएटिंग कॉरपोरेट एक्शंस, इनिशिएटिंग, मेकिंग सब्सटैंशियल चेंजेस इन द कॉरपोरेशन्स ऑपरेशंस। सो इट इज़ कॉमन फॉर शेयर होल्डर्स टू वॉइस देयर वोट बाय प्रॉक्सी, बाय मेलिंग इन देयर रिस्पॉन्स और बाय रिलिंक्विशिंग देयर वोट टू अ थर्ड पार्टी। अनलाइक द सिंगल वोट राइट दैट इंडिविजुअल्स कॉमनली पजेस इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, द नंबर ऑफ वोट्स अ शेयर होल्डर हैज करस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स ही और शी ओन्स। मतलब कितने वोट्स रहेंगे, जितने शेयर होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग उतने वोट्स एक पर्सन को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की टोटल 100,000 शेयर्स की होल्डिंग है और किसी पर्सन के पास 40,000 शेयर्स है, मतलब उसके पास 40% वोटिंग राइट है। अब शेयर्स क्या है, शेयर एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप है कि कंपनी का शेयर कैपिटल 10,00,000 का है और मैंने बोला 100,000 शेयर्स है, मतलब 100,000 के 10 रुपये के शेयर मिला के 10,00,000 का कैपिटल होता है। तो ये जो 100,000 शेयर्स है कंपनी के पास, दिस इज शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, कॉमन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। पहले फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट मिलता था बट अभी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू डीमैट अकाउंट भी होता है। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, इट कैन बी अ पर्सन और फर्म और मर्चेंट बैंकर और अदर हु टुगेदर वर्क्स फॉर अ कॉमन कॉज फॉर अक्वायरिंग स्टेक। मतलब जो लोग एक कॉमन पर्पज़ के लिए काम कर रहे टू एक्वायर द स्टेक इज कॉल्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। कोर्ट प्रज्यूम्स दैट सर्टन गारंटी ऑफ पर्सन विल बी एक्टिंग इन कंसर्ट अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन। ओपन ऑफर, एक ओपन ऑफर देना टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को कि तुम शेयर सरेंडर कर दो या हमको बेच दो ताकि हम उस कंपनी को अक्वायर कर सके, उसको उसका टेक ओवर कर सके फॉर अ स्पेसिफाइड प्राइस बिफोर द क्लोजर ऑफ ऑफर पीरियड इज ओपन ऑफर। मतलब अक्वायरर कंपनी ने टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को सीधा बोल दिया कि हम 50 रुपये में ये शेयर खरीदने के लिए तैयार है, जिसको चाहिए वो सरेंडर कर दो या अभी बेच दो, दिस इज ओपन ऑफर। कंडीशनल ऑफर, एन ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर्स वेयर अक्वायरर मेक्स अ प्रोविजन दैट ही विल एक्सेप्ट द शेयर्स ओनली इफ रिस्पॉन्स इज बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट। अब यह कंडीशनल ऑफर क्या है, मैंने बोला कि 50 रुपये में हम शेयर खरीदने के लिए रेडी है, पर कब, जब मिनिमम हमको 30% शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि तभी कंट्रोल मिलता है। सो दिस इज कंडीशनल ऑफर। नेगोशिएटेड ऑफर, फ्रेंडली टेक ओवर वेर शेयर्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम सब्सटेंशियल होल्डर दैट इज प्रमोटर, मैनेजमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा ऑन नेगोशिएशन बेसिस। मतलब अक्वायरर कंपनी ने टेक ओवर कंपनी के सीधा मैनेजमेंट को या प्रमोटर को जाके बोला कि तुम हमसे नेगोशिएट करके तुम्हारे शेयर्स हमको दे दो, दैट इज ऑन नेगोशिएशन बेसिस। बेल आउट टेक ओवर, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ अ फाइनेंशियली वीक कंपनी बाय अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। बेल आउट मतलब क्या, एक कंपनी बहुत वीक हो गई थी, एक्सपेंसेस पे आउट नहीं कर पा रही थी, तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक ने उसका टेक ओवर कर लिया या उसको रिहैबिलिएट किया है। क्रिपिंग फैसिलिटी, फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज देयर स्टेक ईच ईयर बाय अ सर्टन मैक्सिमम लिमिट। क्रिपिंग फैसिलिटी ये किसी कंपनी के प्रमोटर को होती है जहां वो खुद का स्टेक थोड़ा थोड़ा हर साल बढ़ा सकते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को दी जाती है जहां पे टारगेट कंपनी लिस्टेड है कि हम लोग उस टारगेट कंपनी को अक्वायर करने वाले। इसका कॉपी बोर्ड को भी मिलता है, फिर टारगेट कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में वो पब्लिकली अनाउंस करती है। द टाइम विद इन विच द पब्लिक अनाउंसमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द स्टॉक एक्सचेंज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस इज टेबुलेटेड बिलो। थ्रेशहोल्ड लिमिट,
थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ द लिमिट ऑफ होल्डिंग वेर होल्डर्स हैव टू ऑब्जर्व सर्टन प्रोविजंस. तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों होती है? दो पर्पस के लिए. अगर कोई पर्सन 5%, 10% या 14% होल्ड करता है, देन एट ईच लेवल उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. किसको? कंसर्न्ड कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंज को, कि उसका होल्डिंग उस लेवल के ऊपर गया है. तो जब 5% होता है तब वो इन्फॉर्म करेगा, 10% क्रॉस करने पे इन्फॉर्म करेगा, 14% पे, एज सो ऑन. सेकेंड, एज द ट्रिगर पॉइंट फॉर ओपन ऑफर, इट शोज द लेवल ऑफ होल्डिंग बियॉन्ड विच द एक्वायरर हैव टू मेक ओपन ऑफर फॉर फर्दर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट. ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट क्या है? कि अगर पर्सन का होल्डिंग 10% के ऊपर जाता है तो फिर he has to do make an open offer. This 10% would be inclusive of the right or shares already held by the acquirer or by the person acting in concert with him. Level of holding under various circumstances beyond which the provision of takeover code will be applicable. Initial threshold limit kya provide ki gayi hai? Pehle thi 15, which is increased to 25 of the voting right of target company. But SEBI regulations 2011 kya bolte ki up प्रमोटर का होल्डिंग, इट्स लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द प्रमोटर होल्डिंग लेस देन 25% बट मोर देन 20 टू कम विद इन ब्रैकेट ऑफ क्रीपिंग एक्विजिशन. क्रीपिंग एक्विजिशन मतलब क्या? कि उनको हर साल थोड़ा थोड़ा हम बढ़ने का चांस देंगे. अदरवाइज इवन द एग्जिस्टिंग प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी हैव टू गिव ऑफर टू कंसोलिडेट देयर होल्डिंग. काइंड्स ऑफ टेक ओवर, लीगल कॉन्टेक्स्ट. फ्रॉम लीगल परस्पेक्टिव अभी हम देख रहे हैं कि टेक ओवर कितने टाइप्स के हो सकते हैं. तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, लीगल कॉन्टेक्स्ट और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. लीगल में दो तरीके के, फ्रेंडली या नेगोशिएटेड और फिर हॉस्टाइल. फ्रेंडली या नेगोशिएटेड में क्या होता है, हम मैनेजमेंट से या प्रमोटर्स से, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है, उनसे फ्रेंडली मैनर में नेगोशिएट करेंगे कि हम इस कंपनी को, कंपनी का टेक ओवर करना चाहते हैं, सो एंड सो प्राइस में लेट अस बाय द शेयर. तो अक्वायरर कंपनी ऐसे टेक ओवर कंपनी के मैनेजमेंट से जब नेगोशिएट करती है इन अ फ्रेंडली मैनर, सो दैट इज नेगोशिएटेड टर्नओवर. हॉस्टाइल टर्नओवर, हॉस्टाइल टर्नओवर मतलब क्या? कि कंपनी डायरेक्टली शेयर्स ले रही है. इट इज़ अ टेक ओवर वेर वन कंपनी यूनिलैटरली परस्यूज द एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ अनदर कंपनी विदाउट बीइंग इनटू द नॉलेज ऑफ दैट अदर कंपनी. मतलब बिना उनके नॉलेज के, बिना उनके बोर्ड को बताए सीधा उनके शेयर्स लेना, दैट इज हॉस्टाइल टेक ओवर. The most dominant purpose which has forced most of the companies to resort to this kind of takeover is increase in market share. मतलब जैसे जैसे market share बढ़ेगा वैसे वैसे control बढ़ेगा, and then the company will acquire the control after a certain limit, और फिर उसके बाद वो company ने उस दूसरी company का takeover किया है. So that is hostile takeover. बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में तीन टाइप के टेक ओवर होते हैं. वन इज़ हॉरिजेंटल टेक ओवर, मतलब एक कंपनी ने सेम इंडस्ट्री में कि दूसरी कंपनी का अगर टेक ओवर किया है तो दैट इज़ हॉरिजेंटल टेक ओवर. अब ये पर्पस क्यों है, क्यों हम हॉरिजेंटल टेक ओवर करते हैं? फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसी की कोई कॉम्पिटिटर कंपनी है सेम इंडस्ट्री में सेम लेवल पे. अब अगर उसको टेक ओवर कर लिया तो कॉम्पिटिशन वहीं ख़त्म हो जाता है, सो ग्रो होना भी ईजी है, मार्केट शेयर बढ़ जाता है, सो दैट इज़ हॉरिजेंटल टेक ओवर. इसका एग्जाम्पल है हैंकल बाय जॉटी लेबोरेटरीज, पटनी कंप्यूटर्स बाय आईगेट. वर्टिकल टेक ओवर, वर्टिकल टेक ओवर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने उसके सप्लायर को का टेक ओवर किया है, मतलब जहाँ से रॉ मटेरियल आता है उस कंपनी का टेक ओवर करना, या किसी कंपनी ने जहाँ उसके प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल जाते हैं उस कंपनी को अक्वायर करना, मतलब अपने कस्टमर को अक्वायर करना, उसका टेक ओवर करना, दिस इज़ वर्टिकुलर टेक ओवर. फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी अक्वायर्ड बी, जो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, या ए कंपनी जिसका रॉ मटेरियल है उसने सी को अक्वायर किया, दिस इज़ वर्टिकुलर टेक ओवर. एग्जाम्पल है टेक ओवर ऑफ सोना स्टेयरिंग लिमिटेड बाय मारुति उद्योग लिमिटेड. कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर, मतलब दो अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनी, डिफरेंट इंडस्ट्री की कंपनी एक दूसरे को जब अक्वायर करती है या उनका जब टेक ओवर होता है, सो दैट इज़ कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर. एक ए कंपनी है जो शूज़ की कंपनी है, एक बी कंपनी है जो फूड प्रोसेसिंग है. अगर ए ने बी का टेक ओवर किया, सो दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमर टेक ओवर, क्योंकि इनकी इंडस्ट्रीज कम्प्लीटली डिफरेंट है. अब ये यहाँ पे टेक ओवर कोई कंपनी क्यों करेगी? टू डाइवर्सीफाई द रिस्क, कि अगर ये बिजनेस नहीं चला तो दिस में ग्रो, ये चला तो दिस में नॉट. सो टू डाइवर्सीफाई द रिस्क कंपनी कॉन्ग्लोमर टेक ओवर भी कर सकती है.
सो दिस वॉज अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेक ओवर. आई होप यू अंडरस्टूड. एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं. वी हैव कवर्ड ऑल दिस डेफिनेशंस. थैंक यू.